नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अबिल गुरु शिक्षा में। शून्य से एक की ओर दाएं तरफ जाके आप YouTube में प्रवेश पाएं। प्रवेश पाते ही लिखें अबिल गुरु। दाएं तरफ लाल रंग के प्रतिरूप को दबाएं और अबिल गुरु शिक्षा में सदस्यता प्राप्त करें। घंटी के प्रतिरूप को दबाएं। आगे आने वाली अधिसूचना के लिए अग्रसर। मेरे माध्यम में प्रवेश पाएं। चलचित्र अथवा चलचित्र सूची में प्रवेश करें। किसी भी सूची में प्रवेश करें। किसी भी चलचित्र को देखें। पसंद के प्रतिरूप को दबाएं। साझा करें सभी को, फेसबुक से, ट्विटर से, गूगल प्लस से, ब्लॉगर आदि से। अपने ज्ञान को एक कदम ऊंचा करें और सदा मुस्कुराएं। सभी का धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अबिल गुरु एजुकेशन में। देखते हैं आज हम लोग 21 अक्टूबर शनिवार 2017 का पेपर। ये जसत्ता का पेपर है जो कि दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित है। बीस अक्टूबर का पेपर नहीं आया था क्योंकि 19 अक्टूबर को क्या थी, दीपावली थी। आप सभी को चलिए नीचे डाटा देख लेते हैं। भारत में 2015 में प्रदूषण से 25 लाख लोगों की मौत। 2015 में दुनिया में 65 लाख लोगों की मौत हुई, जबकि चीन में इसी वर्ष 18 लाख लोग मारे गए। शोधकर्ताओं के मुताबिक इनमें से अधिकतर मौतें प्रदूषण की वजह से होने वाली दिल की बीमारियों, स्ट्रोक, फेफड़ों के कैंसर तथा सांस की गंभीर बीमारियों की वजह से हुई। चलिए अब क्या लोग पटाखा दागना छोड़ देंगे क्या? खुले में बिके नहीं पर खुलेआम छूटे पटाखे। सुप्रीम कोर्ट के रोक का असर नहीं, दीपावली के बाद दिल्ली में 24 गुना तक बड़ा प्रदूषण। वाकई में दिल्ली में बैन तो होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहां करेगा मानहानि का दावा? क्वेश्चन तो ये भी है ना, फेसबुक पर पूरा वायरल चल रहा है। किसके ऊपर मानहानि का दावा? दीपावली की अगली सुबह ये हाल देखिए कैसे धुआं छाया हुआ है। नीचे मेन पेपर देख रहे हैं। जहां जहां आपको लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मुझसे छूट गया है तो आप रोक के जरूर देख लीजिए। ये देखिए सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने दे दिया इस्तीफा। ये सॉलिसिटर जनरल क्या होता है नीचे कमेंट करके बताइए। आप बैंकों में भी राष्ट्रीय बचत पत्र और मासिक आय योजना, IBPS वाले ध्यान दें ठीक है। IBPS होता है बस उतने हम पढ़ाएंगे। डेंगू से दो लोगों की जान गई, डेंगू पर मैं सिर्फ विशेष फोकस लेकर हूँ। दोनों डेंगू पर मेरे दो वीडियो हैं और कोई बात नहीं है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि ज़्यादा सर प्रचार कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। दोनों पार्ट आप जरूर देखिए क्योंकि इस पर अवेयर रहना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बार बार पेपर में आ रहा है हर जगह। ये पेपर 19 तारीख के पेपर में भी था और 21 तारीख के पेपर में भी देखिए दो मौतों के बारे में निकला हुआ। तो डेंगू पर कभी भी कोई डाटा आ सकता है ठीक है। तो पार्ट वन पार्ट टू जरूर देखिएगा आप, देखते चलिए। ठीक, ये मैंने वीडियो दिखाया था आप लोगों को। जयपुर में जयपुर के पास नीदर गांव के जमीन सत्याग्रह, ये जमीन के सत्याग्रह के दौरान शुक्रवार को गोवर्धन पूजा करते किसान परिवार के मेहमान नीदर के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जमीन सत्याग्रह चल रहा है। जमीन में गड्ढा खोद के नीचे बैठ जाते हैं और फिर वहां पर पूजा पाठ चलता है।
भाई साहब देखिए किस तरीके का सत्याग्रह, जमीन समाधि सत्याग्रह करने वाले किसान निर्धन धरना स्थल पर ही मनाई दीपावली, वहीं पर ही बैठ कर दीपावली मना लिया भाई साहब। ये देखिए ये पूरा वीडियो अभी गुरु एजुकेशन का है। कांग्रेस ने कभी मुख्यमंत्री पर, ये न्यूज है, भुखमरी से निपटने की चुनौती, प्रेम की जीत, गैरों के भरोसे, मैं रोक दे रहा हूं इसे आप पढ़ लीजिए, कोई विशेष न्यूज नहीं। हाँ ये बीच में अभी मोदी साहब गए थे केदारनाथ धाम से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जमकर कोसा, उत्तराखंड में विकास का एक नया बेहतरी बही खाता शुरू। केदारनाथ घाटी में 700 करोड़ की लागत से बनने वाली 5 परियोजनाओं का लोकार्पण मोदी ने किया। सन 2013 में केदारनाथ की आपदा में क्षतिग्रस्त हुई आदि जगत गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल के सौंदर्यीकरण और संग्रहालय का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने किया। ये डाटा देख लीजिए बहुत ध्यान से। यहाँ पर एक विशेष बात सामने आई, ये बात बोलने की जरूरत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रहस्य उद्घाटन किया कि 80 के दशक में उन्होंने केदारनाथ धाम के गरुड़ चट्टी में साधना की थी और बाबा केदारनाथ के पास गुजरात के मुख्यमंत्री बने और बाद में देश के प्रधानमंत्री। ये लियो नया डाटा, लियो आइए नीचे देखते हैं, दुनिया देख लीजिए। भ्रष्टाचार के तीसरे मामले में शरीफ पर आरोप तय, कोई विशेष न्यूज नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री 5 देशों की यात्रा पर, भारत भी आएंगे। G7 और IT कंपनियां लाएंगी जिहादी सामग्री पर रोक। काबुल में आत्मघाती हमले पर 30 की मौत। बोने ग्रह सेरेस पर और वक्त गुजारेगा अंतरिक्षयान, इसको पढ़ लीजिएगा। मिसिसिपी में स्कूल को दिया जाएगा पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का नाम। कोई विशेष न्यूज नहीं, मैं न्यूज के नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं। साइना और श्रीकांत भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, प्रणय ने चोंग वेई को हराया। ये देखिए डेनमार्क ओपन सुपर सीरीज प्रीमियर में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया कदम्बी श्रीकांत। अब 22 की न्यूज में पता चलेगा कि ये पहुंचे कि नहीं पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका ने वनडे रैंकिंग भारत को पछाड़ा। चलिए कोई खास नहीं, ये सब लोग कैसे लोकल न्यूज देखते रहिए। ठीक, भारतीय टीम ने मलेशिया को 6-2 से हराया। 10वें पुरुष एशिया कप में दूसरे सुपर 4 मुकाबले में मलेशिया को 6-2 से रौंद कर विजयी लय बरकरार रखी। अब भारतीय टीम अपने तीसरे और अंतिम सुपर 4 मैच में शनिवार को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगी। अभी अगले दिन पता चलेगा। भारत की निगाहें पाक को पस्त करने पर, मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान को हरा देगी, देखते हैं। इंग्लैंड अमेरिका में रिकॉर्ड सुधारने की जंग, चलो देखते हैं भैया फीफा अंडर-17 विश्व कप में क्या होगा। BSF हाफ मैराथन 22 अक्टूबर को ये होगा, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल का BSF 22 अक्टूबर को अपने शहीदों की याद में हाफ मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस दौड़ में देश के चोटी के धावकों के अलावा विदेशी एथलीट भी हिस्सा लेंगे। चलिए इसी के साथ ये सारा न्यूज़ समाप्त होता है। किस तरह में कोई खास न्यूज़ नहीं थी, ठीक, फिर भी जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप लोग इसको रोक के एक बार देख लीजिए। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ आपकी ओर, कोई भी न्यूज़ स्पेशल लगे आप रोक के इसको जरूर देख लें।